अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? ठीक हैं, खैरियत है? वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। कैसे हैं सब? खैर ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या है कि आज है जी 30 जुलाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है सऊदी अरब में हज आज पढ़ा जा रहा है। तो मेरी तरफ़ से सब लोगों को हज मुबारक, और अल्लाह ताला इस हज की बरकत से हमारे जो है गुनाह माफ़ करें, आमीन सुमा आमीन। और आजकल जो दुनिया में ये मसले चल रहे हैं और जो प्रॉब्लम चल रही हैं, वो भी अल्लाह ताला जल्द मतलब जो उसको सॉल्व करें, आमीन। तो आज का क्या सीन है कि जी मैं अभी ऑफिस के लिए मतलब कि ड्यूटी पे जाने के लिए रेडी हुआ। मेरे पास जितना टाइम हो रहा है तकरीबन को ये 7:30, तो मैं अभी ऑफिस के लिए निकलूँगा, मतलब कि ड्यूटी पर जाऊँगा, ड्यूटी दूँगा। ड्यूटी पर आने के बाद फिर जो है एक इंशाल्लाह एक प्लान है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बाकी जो है कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद होगी यहाँ पे, मतलब के यूएई में, और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में परसों होगी, यूएई में कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? तो अभी तकरीबन कोई 9:15 का टाइम हो रहा है रात का। तो मैं आपको जो है अपने दिन की बताता हूँ कि आज क्या कुछ हुआ। सुबह जब मैं मतलब ऑफिस के लिए गया ड्यूटी के लिए, तो उसके बाद फिर मैं जब वापस आया तकरीबन को 4 बजे आके, फिर मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ी असर की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा। रेस्ट करने के बाद फिर जो है मेरा प्लान था दुबई जाने का, काफ़ी दिनों से कर रहा था। वैसे मुझे 8 महीने हो चुके थे कि मैंने वहाँ पे चक्कर नहीं लगाया था, मैं इधर शारजा हूँ। तो मैंने सोचा चलो ईद की छुट्टी है, इस बहाने वहाँ पे चक्कर लगा लूँगा, उनसे मिल लूँगा। बट खुदा को कुछ और ही मंजूर था, ऐसा हुआ नहीं। मैंने फिर कोशिश की, गया हूँ मैं वहाँ बाहर, मतलब कि देखा कि भाई शायद कोई बस या कोई ऐसी चीज़ जो है मतलब कि वहाँ जाए, कोई टैक्सी वगैरह, तो मुझे तो कोई चीज़ नहीं मिली। तो फिर मैं जो है वो वापस आ गया हूँ। वैसे तो मतलब कि मैं काफ़ी देर सिटी सेंटर में था, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं ढूँढता रहा पहले, तो देन जो मुझे चाहिए था वो मुझे अभी मिला नहीं है। लेट्स सी, बाद में जो मैं वो लूँगा तो मैं भी वो आज उसका शेयर करूँगा। सो गाइस, तो ये है आज का मतलब के सीन के कोशिश की मैंने, कि मैं वहाँ जाता, चलो वहाँ पर रिश्तेदार थे मेरे, कज़न थे, मैं चलो उनसे थोड़ा मिलता, आई थे वहाँ पर गुजारते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ये फिर पूरी दुनिया फेस कर रही है, अब इस चीज़ का दोष जो है वो हम किसी को दे नहीं सकते, तो इसलिए फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। चले मैंने कि कोई मुश्किल नहीं है, फिर कुछ और दिन ही सही, फिर देखें कोई ऐसा चांस बनेगा तो फिर कभी चक्कर लगा लेंगे। तो अब जो है ईद इधर ही करेंगे अपने रूम में ही इंशाल्लाह। तो आज तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, वैसे 9 बज गए यहाँ पे, 9:15 का टाइम है। तो कल हमारे पास ईद है, तो ये व्लॉग जो है आपको कुछ दिन बाद ही मिलेगा, लेकिन चलें जी। तो उसके बाद जो है कल की जो क्या रूटीन होगी, कल ईद हम कैसे मनाएंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम जो है यहाँ पे ईद कैसे मनाएंगे इस सिचुएशन में जो आजकल चल रही है। तो इंशाल्लाह कल भी वो, तो मैं उसका मतलब कि व्लॉग बनाऊंगा कि हम लोग कैसे वो ईद मनाएंगे। मेरे बाबा जो है वो मुझे कह रहे थे कि भाई, मैंने ये सोचा था कि भी चलो आके जो है वो मैं आपको ड्यूटी से वापस आके चलो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, बट वो कहते हैं मैं भी थका हुआ था, तो वो थके हुए थे, तो मैंने कहा चले, मैंने कहा कुछ नहीं है, ये तो मैं देख रहा था कि अगर पॉसिबल है तो चलो चले जाते हैं, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करें आप, वैसे भी अब काफ़ी महीने हो गए तो इधर ही है। तो फिर ये पिछली ईद जो है वो भी हमने इधर ही मनाई थी, इधर फितर जो है, और ये भी फिर इधर ही मनाएंगे, मुश्किल नहीं है। तो ये स्टोरी है जी कि सीन नहीं बना जाने का। कज़न को मैंने कहा था, वो भी वेट कर रहे थे,
उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि भाई क्या सीन है। मैंने कहा स्टोरी तो इस तरह कि चांस नहीं बना, लेट्स सी, देखेंगे कभी या कोई ऐसा चांस बना तो किसी के साथ फिर चले जाएंगे। कल के दिन के लिए मैंने अभी तक तो कुछ वैसे लिया नहीं है, क्योंकि मेरा तो प्लान था उधर जाने का, सो इसलिए मैं तो कुछ ले नहीं सका। तो अब क्या करेंगे फिर, सुबह ईद पढ़ने के बाद, ईद तो घर ही पढ़ेंगे, ईद पढ़ने के बाद फिर जो है वो मैं जाऊंगा साथ में एक सुपर मार्केट है वहाँ से जो है इंशाल्लाह मटन या ऐसे कुछ चीज़ जो भी होगी देखेंगे वो लेके आएंगे और फिर उसी को बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये प्लान है, फिर देखो जी फिर क्या बनता है। अब मेरे वैसे हल्का हल्का जो है ना वैसे सर में मुझे पेन फील हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर लूँ या कुछ ज़्यादा वर्क थोड़ा कर लूँ, क्योंकि आईज हम अगर देखते रहते हैं तो कंप्यूटर की तरफ तो फिर ऐसा सीन बन जाता है। अभी देखता हूँ अगर ठीक आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टैबलेट लेनी पड़ेगी। और ये मेरी हैबिट बन चुकी है, जब तक मैं जब मुझे दर्द हो जाए ना, अगर मैं टैबलेट ना लूँ तो मुझे आराम नहीं आता। कोशिश करनी चाहिए वैसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आप कुछ इसका गलत भी रिएक्शन हो सकता है, मतलब कि आपके कुछ बॉडी के दूसरे हिस्सों में। तो मोस्टली कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पेन ठीक हो जाता है। तो मैं भी देखता हूँ कि अगर कल तक क्या सीन है इसका या लेट नाइट तक क्या होता है। वैसे तो अब दो छुट्टियाँ होंगी हमारी, ईद की जो है दो छुट्टियाँ होंगी हमारी। तो मैं अभी देखता हूँ कि कोई मूवी देखता हूँ, कोई ऐसे अच्छी सी मूवी को देखता हूँ सर्च करके, वो देखता हूँ आज कोई मूवी, कोई इंग्लिश ही देखता हूँ आज कोई, देखते हैं चेक करते हैं जी कौन सी अच्छी वाली है, देखता हूँ सर्च करके जो अच्छी लगी फिर वही देखेंगे फिर। ओके सो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो मेरी पूरी देखते रहिए, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिए, हेल्थी रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।